हेलो दोस्तों, हॉटबिट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे ट्विटर पर। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है लोगों को, पैनिक में भी हो रहे हैं। और पैनिक होने का सबसे बड़ा रीज़न फट भी होता है, क्योंकि काफ़ी मैंने ये वीडियोज़ देखे हैं और काफ़ी ट्विटर पर भी कुछ ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा वैसा सारा कुछ। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं सारे कुछ यहाँ पर, तो काफ़ी ध्यान से देखना पहली बात तो, क्योंकि मैंने इसी तरह का वीडियो पिछली बार भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा नहीं है, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिलहाल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है, तो उसका इंटरफेस ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो लाइव अपडेट्स है जैसा कि TRX वगैरह जो पंप कर रहे हैं जो भी, वो सब दिखाई भी दे रहा है इधर, लेकिन ये सारे नहीं है। जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर लिस्टेड हैं वो सारे यहाँ पर नहीं दिखने वाले। जैसे आप एक्सचेंज या मार्केट पर कहीं पर भी क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। और जैसा कि इसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो आई थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, वो यही थी हॉटबिट प्लेटफॉर्म पार्ट वन। अब इसको मैंने ब्रीफली आपको पूरा दिखाया भी था, जैसा कि आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा आपको ये मिल भी जाएगा, पूरा आप रीड कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और इसी पर आप ट्रस्ट भी कीजिए, क्योंकि जो खुद हॉटबिट बोल रहे हैं उसी पर आपको ट्रस्ट करना है, बाकी जो बोल रहे हैं उसको नहीं मानना है आपको। जैसा कि काफ़ी फेक ट्विटर हैंडल भी हैं जो बोल रहे हैं कि आपका बैलेंस जीरो हो गया, हॉटबिट अब कभी चालू नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये तीन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि उस अगर अपनी लैंग्वेज में सीधा सीधा बताएं तो ये है कि एक तो अपने एसेट्स जो हैं वो 100% उतने के उतने ही पड़े रहें, कोई कम ज़्यादा ना हो। और दूसरा कि जितना भी मार्केट में वॉल्यूशन बना है, यानी कि जितना भी फ्लक्चुएशन आया है पिछले जो 3 हफ्तों में, तो वो असेट्स की वजह से उसका जो वर्थ है ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन वो उसको भी मैनेज करेंगे। और इनके दूसरा चीज़ ये था कि ये टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी ये चालू हो। अब इसको टाइम काफ़ी लग सकता है, अभी भी काफ़ी, मतलब 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं। रीज़न उसका ये कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था कि 4 लोग उसमें थे और एक उसमें पाया गया था दोषी, जो कि गेमिंग है प्रोजेक्ट के साथ में था और हॉटबिट के साथ भी वो काम कर रहा था गाइस, जैसा कि सारा कुछ मैंने बता दिया था। और अभी उसको फायर कर दिया गया, लेकिन बाकी जो इनके मेंबर थे, जो इनके टीम मेंबर थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया है 2 दिन पहले। तो अभी जैसे, और सिंपल सी बात है, जो 4 वो जो बंदे थे वो कोई ऐसा नहीं था कि बस ऐसे ही, मतलब इनके यहाँ जस्ट काम करते होंगे, वो पूरा ब्लॉकचेन को ही रन कर रहे थे, यानी कि हॉटबिट उनके बिना चल ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से इनको वेबसाइट को भी कहीं ना कहीं अंडर मेंटेनेंस रखना पड़ा। तो इसमें दोस्तों इन्होंने दो चीज़ें बताई थी ब्रीफली, जैसे कि गुड न्यूज़ ये बताई थी कि जो जितना भी डिटरमिनेशन हुआ है वो, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन के अंडर में, तो हॉटबिट प्लेटफॉर्म और 4 मेंबर्स डिड नॉट वॉयलेट द लॉ इन दिस केस, तो वो सारे रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो थ्योरेटिकली हॉटबिट कैन बी रिबूटेड, यानी कि हॉटबिट दोबारा से चल सकता है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू द कंट्री जजियल प्रोसेस, द फ्रोजन असेट्स कैन नॉट बी रिलीज्ड इमीडिएटली। तो इसी को टाइम लगने वाला है, यानी कि 70 तरह के अलग अलग क्रिप्टो असेट्स की जो लिक्विडिटी थी उसको फ्रोज किया गया था इस इन्वेस्टिगेशन के अंडर में, तो उसको इतना जल्दी अनफ्रीज नहीं करने वाले हैं वो। उसके लिए इनको अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा और भी ज़्यादा। और कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी भी थोड़ी बहुत बाकी रहेंगी, तो वो जैसे कंप्लीट होंगी तो ये सारे अनफ्रीज हो जाएंगे और पूरा एकदम परफेक्टली अपना हॉटबिट भी रन करने लग जाएगा। अब एक न्यूज़ और भी है जो मैं आपको बताई देता हूँ, जैसा कि कई लोगों को पता होगा जो इसके ट्विटर हैंडल से देखते हैं, मतलब अपडेट एक्टिव रहते हैं थोड़ा। जैसा कि कल की डेट में ये ट्वीट आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सितंबर, और आप देख सकते हो इनका ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है, जैसा कि यहाँ पर आप क्लिक करके इनके ये देख सकते हो कि किसी को मतलब ऐसा लग रहा हो कि ये फेक हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लो 519.2K फॉलोवर हैं, तो आप कंफर्म भी कर सकते हो कि ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट आई थी कल की डेट में कि हॉटबिट सपोर्ट्स द अपकमिंग इथेरियम मर्ज। अब इथेरियम मर्ज को काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज भी सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है ये सपोर्टिंग वाला काम, कोकोन क्रेकन, और इसी की वजह से थोड़ा बहुत अंडर मेंटेनेंस भी आ रहे हैं ज़्यादातर एक्सचेंजेस। तो ये चीज़ हॉटबिट ने भी बोली, यानी कि हॉटबिट कंप्लीटली चलने वाला है, ये फैक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि भग गया, बर्बाद हो गया, जीरो हो जाएगा सेट्स, इस चीज़ को मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। बस टाइम जो है वो उसको ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करें, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि भाई 2-3 दिन में हो जाएगा या 1 हफ्ते में हो जाएगा या 2 हफ्ते में हो जाएगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा, और ये हो इसी वजह से रहा है कि जो यूज़र्स हैं उनके असेट्स एकदम 100% सेफ़ रहें। तो देखिए, प्रॉब्लम तो है और जो होना था हो ही गया, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, हमें जस्ट ये कि पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो ज़्यादा पैनिक वैनिक होने की जरूरत है नहीं, आप इस अनाउंसमेंट को थोड़ा ब्रीफली भी पढ़ सकते हो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और जैसे कोई अनदर अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा, और जैसे चालू होगा तो सेपरेट वीडियो में अच्छे खासे तरीके से बता दूंगा, आपके लिए बना दूंगा, तो आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे क्रिप्टो से रिलेटेड। फिलहाल यही था, तो कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, थैंक यू।